कर रहे हैं। अरे इन्हें चोट लग जाएगी। अरे मधु, अरे झन्नो, सुधार दो, कोई नहीं भाई, रोको। ताजीराज हिंद के तहत इन पर मुकदमा कायम हो जाएगा कि ये बच्चे बच्चियां खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, ये देखो, ये गंजे के चंगुल में फंस जाएंगे। ये दीवार के पैर रावण के पैरों तले कुचले जाएंगे। और ये बंबू से तंबू में पहुंच जाएंगे सुधा। और ये राक्षस का शिकार बन जाएंगे। ये तकेशिस का सिल है भाई, छिछोरों का खेल। और ये हमारे छिछोरों का सरदार जनरल ली पूछ रहा है कि क्या तुम तकेशिस कासल हासिल करोगे? आज ये खिलाड़ी किस्मत आजमाएंगे हनी को मेज में, अपने काले करतूतों को धोएंगे स्किपिंग स्टोन्स में, उम्मीदों को डुबाएंगे पोल्स अपार्ट में, और बचने वालों का दिमाग ठीक होगा फाइनल शोडाउन में। जनरल की ललकार और चल पड़े बेकार, और इनको करना है पार स्लिपरी वॉल। और ये वॉल भी 45 डिग्रीज की वॉल है, लेकिन बड़ी ही चिकनी, और जब तक ये दीवार हम दोनों के बीच है भाई, हम दोनों एक घर में नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, कुंडी से फिसला पानी में गया। और ये अलग अलग करतूते और तिगड़म लगाने की कोशिश। तिगड़म तो लड़ानी पड़ेगी छोटी, ये डॉक्टर नहीं दीवार है, वो भी फिसलू। ये कुछ कोशिश लेकिन नाकाम। ये देखिए, बिल्कुल ये मेरे हिसाब से तकेशिस कासल का सबसे छोटा एपिसोड होगा ये। आप ये देखिए, चढ़ा और ये मुंडी और ये कुंडी, और चश्मा भी गंदा नहीं। और ये देखिए, लड़कियां जो हैं हाथ थाम थाम के साथ ही हाथ बढ़ाना, और यहाँ पे सीधा पानी में। अबे यार, पानी संभाल के पीना, जापानी कॉलेरा हो जाएगा। और ये देखिए, कुंभ का मेला लगा हुआ है ये दीवार पर। ये लड़कियां एक दूसरे की, अरे बाप रे, पतलून तो नहीं खींच लेगी, खींचते खींचते भैयों की पतलूने उतरी होंगी यहाँ पे। और ये बड़े संभल संभल के नीचे फिसल रहे हैं। बहुत ही, और ये देखिए, जज्बात में ऊपर चढ़ा, रस्सी पकड़ के, लेकिन सामने से सफाई। और ये, अबे इतना क्या चिल्ला रही भाई, क्या है ना कोंडा ने पकड़ लिया नीचे। और जे जगह आप चिकरी में देखिए, ये देखिए, पीटी उषा की तरह आया और सीटी उषा की तरह निकल गया। और हम सीटी मारते हुए आगे बढ़ते हैं स्ट्रिप डिस्क। जनरल ने कान फाड़ू ऑर्डर दिया कि स्मोक बम फट गए, और धुएं की चादर की आड़ लेकर हमला शुरू। खिलाड़ियों के सर पर मजबूत हेलमेट, लेकिन एक कमजोर पेपर रिंग भी, जिसे शाही गार्ड्स वाटर पिस्टल से फोड़कर खिलाड़ियों को गेम से आउट करने की कोशिश करेंगे। एक और दीवार, सर को झुकाकर अपनी रिंग को शाही गार्ड्स के निशाने से बचाते हुए इस दीवार के पार करना है। महेंद्र कपूर जी ने कहा था, न सर उठा के जियो, रॉन्ग हो गया, न सर झुका के जियो। पर यहाँ जो सर नहीं झुकाएंगे वो अपना रिंग फड़वाएंगे। ये शाही गार्ड्स काफी डट कर निशाने लगा रहे हैं। और ये देखिए, शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। पहलवान, सीटी बजाएगा जय हाल होगा, छिछोरे लपेड़े खाएगा लोड़े, वो सीटी बजवाएगा नीचे से खड़े होके, पकड़ ले कचूमर बनवाएगा अपना, टिक्का बोटी हो जाएगी, चांदी चौके चौराहे से आए। और रिप्ले देख लो, एक कुंवारा हिल गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। और बेचारे काफी भरे हैं स्क्वायर मेज में। जनरल का इशारा और पहला खिलाड़ी आस्तीन चढ़ाता हुआ मैदान में। अब ये भूल भुलैया जो है चौकोर हो गई हैं, सीधी लाइन पकड़ी और सीधे गड्ढे में। तो देखिए, शान से कूदे हैं आस्तीन चढ़ाकर। सेकंड खिलाड़ी चल पड़ा, सावधानी के साथ अंदर आए, दौड़ लगाई और सीधे आदि मानव के हाथों में। और ये गंजा शामू और रंगीला रामू ने
उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। और ये अगला खिलाड़ी, अरे तो मामू लग रहा है, और ये नाइट सूट पहन के आया है, और ये देखिए बड़ी सावधानी से कुछ सोच, अभी क्या, अभी तो चीटिंग कर रहा है, अभी ऊपर कहां से चल रहा है भाई, अलाउड नहीं है, और ये बड़ी कुछ अपनी सहना बनती हो, कहते ना कि सहना कौआ गू खाता है, लेकिन ये तो गोल खा रहा है, और ये पार अलाउड है, कुछ भी अलाउड, और ये दूसरे है, और राजधानी एक्सप्रेस की तरह बढ़ते जा रहे हैं और सीधे गड्ढे में। पानी साहब भैया फिर देखना पड़ेगा कि सीधी पकड़ी इन्होंने लाइन और ये गड्ढे में भर रहे हैं फाइन। आइए आइए चश्मिश से बदूर गंजे गामा से बचकर भागे गामा पीछे और ये फंस गए और इनको कर दिया मेज से तड़ी पार। फिर देखिए बार बार लगातार और खुला मेरे यार, अरे यार नहीं गड्ढे में गिर रहे आंटी। ये देखिए अंदर आई, ये जीत का लड्डू चुराने आई है। हरी मानव को देखते ही पलट कर भागी और गंजे गामा ने चंगुल में लिया और कर डाला मुंह काला। कभी तो नजर मिलो, कभी तो रिप्ले दिखाओ। नीचे गंजा गा रहा है, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो मुझे यहाँ मिला ही नहीं, जहाँ मुझको कालक है पोतनी वो सूरत है कहाँ। अबे लगा के तुझे चूना, जवान पहुंच गया पूना, और आजमाइश का अगला मैदान येगा स्कीपिंग स्टोन। और ये जनरल ली की ललकार, और ये आगे बढ़ा मेरा यार, ये देखे समल समल कर समल गए और समल समल के अस्पताल पहुंच गए। ठीक है तितली तितली ने तितला है और ये खूब फिसला है, फिसला हुआ बकवास रहे ना तो यार तू क्या कर, गेम भी ऐसे बकवास है तो राइमिंग भी हो सकती है ना। और ये देखिए आंटी प्यारी सी आई और प्यारी सी गई ठुड्डी फुड़वा दी अपने, ये देखिए स्लो मोशन में टाइटैनिक की तरह टिटैनिक। तो ये आए और सीधे गए, इतना लंबा जैसे बिजली का खंबा, अरे खंबा उखड़ के, अरे खंबा खुद उखड़ गया। ये देखिए पहन के आई चड्डी और तुड़ा ली अपनी हड्डी, ये क्या तुड़वाया, अभी ये क्या, अभी ये अबे तालाब का फ्लश खराब हो गया, पानी रिवर्स में हो रही है, और ये क्या फॉरवर्ड हो रही है, निकल लिया अबे बच गया रे दीदी, अरे बच गया सुना देगा, अबे दो नली और सवेरे चूस देगा निकल जाता देगा, ताकत कम हो गई थी इसकी, अब जा घर पे सांड के तेल से मालिश करवा ली। देखिए समझ समझ के चल लिया था, ये आखिरी कदर मेरा कीरिया था, अजा घर जाइयो और बकरियों को पॉलिश करियो शैम्पू करियो। ये बड़ी नन्ही से कपड़े पहन के नन्ही सी लड़कियां जापानी आती हैं। ओ जी हाँ बिल्कुल, ये तालाब सीधे आपके घर जाता है, तैर तैर के निकल जाइए। मेरे राप्चिक रिप्ले में देखिए बिना जली माचिस की तीली, लंबे कदम मुकद्दर का सिकंदर और पट्टी मारकर अंदर तीली बुझ गई, और 53 खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे मशरूम ट्रिप में। जली मशरूम की चरखी या ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ होता है, देखा छूटा मगर बंधन नहीं टूटा, पर कब तक, अरे छोड़ के मशरूम मैया नीचे गिर गया भैया, और ये मैडम मशरूम चिपकी हुई है खूब, और ये घूमा और ये नीचे पड़ गई, और ये क्या है फिर ऊपर, अरे यार फिर नीचे, अबे और फिर ऊपर नहीं करना, बहुत हो गया भैया, ये तो शुरू में ही फिसल रहे हैं, अबे कब तक लटकेगा, लेकिन लटका है ताकत काफी है। डबरू जापानी नहीं पिएगा पानी, वो पहलवान निकल लिया, अबे पकड़ लिया, अब जियो जियो ये भी चिपकी हुई है, देखिए काफी चकर भिन्नी की तरह घूमता है ये, और काफी अच्छी कोशिश लेकिन आखिर में छोड़ दिया, अच्छी थी, आई लाइक यू नॉट बैड, काफी तेज हो चक्कर आए थे इंसान को अगर ताकत भी हो पकड़ने की, लेकिन
इतनी तेज ये घूमता है कि आदमी चकरा गया, ये तो पहले गिर गया। अरे तेरी लानत है, तेरी मजांगी। और ये अगला चूजा रवाना, और ये दो राउंड में हाथ छूट गया, अब तो टिकना मुश्किल है। ऐसे झटके तो बीवी ने भी नहीं दिए होंगे। हाथ छूटा और साथ जान भी छूट गई। हाँ दोस्तों, ये है जेजे का रामचिक रिप्ले। भाई ठीक है कि इंसान था पहले बंदर, पर इतने झटके तो बंदर भी नहीं सह सकता। इन्हें मां बंदर का खिताब दिया जाता है। और अब हंगामों की अगली मंडी लगेगी नॉक नॉक में। जनरल की टूट पड़ो, और ये जवान दौड़ पड़ा। अरे फाड़ डाला दरवाजा, और स्पीड में कोई कमी नहीं, दूसरा भी फाड़ डाला और सीधे रावण के चरणों में। मोड़ी बाबा इधर क्या करता है, जाओ अपना लौंका में। हाँ, और हम अपना पोंखा। अरे बापरे, पोंखा का, हमारा पोंखा टूट गया। ये नजाकत की पुड़िया। अरे डोंट वरी, आप लाइन में है, प्लास्टर के लिए तैयार। ये बड़ा जोशीला, जोशीली, अरे जोशीली, एक ही में जोश निकल गया। लेकिन और ये चूहे की तरह बिल बनाकर दूसरे के पार निकली, रावण को भी पार किया, तीसरा भी पार कर लिया। ओहो क्या बात है। लेकिन चौथा, अरे बाप रे, गया इसका कंधा, जाके मांग चंदा। जय चंदा को ढूंढे सभी तारे निकल पड़े, तो दिन में तारे देख लिए भाई। ये तारा वो तारा, ये तारा, यहाँ तो बैंड बज गया हमारा। अरे देखो बाबा, शीला अडवाणी ऑल द वे फ्रॉम हांगकांग, पहला दरवाजा पार किया और ये धरती माँ को चुमा, मेरा जापान महान। और ये दूसरा दरवाजा अरे पार करके फिर धरती मैया को गले लगाया, रावण को बोला बिरधर तुम वेट करो मैं जाती हूँ। तीसरा दरवाजा भी पार किया, एंड वेरी गुड सुटोपुट कमान बीबी, काहे का बीबी, हांगकांग का नाम फालूदा कर दिया, लख लाना दी। और ये रहा जे जे का रामचिक रिप्ले। गबरू जवानी जवान रावण के कदमों में उठ के कहा कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बस ये अबे चूर चूर किया, खुद कंधे का आमचूर बना लिया। और आने वाले पार्ट टू में आप देखेंगे पोज अपार्ट में कुल्ती पर और ब्रिज बाल में बजते ढोल। अब रखवा के बाद जाइएगा नहीं। रावण सिंह हमारा शेडो ने हमारा यूनिफॉर्म के ऊपर पैसा बहुत खर्चा किया, अभी हम वॉचमैन गिरी करता है, तुम जाके खेलो। अरे बोर्ड दिखाएगा तो बोलेगा ना पोल से पट चला खेलो। देखने में आसान मगर खेलने में बहुत मुश्किल। पहला खिलाड़ी तैयार, पकड़ के डंडा। और क्या मिलेगा इसको, अंडा? अरे नहीं यार, पानी में थोड़ा सा हुआ ठंडा, मगर जीत गया। क्या बात है पहलवान, कामयाब। और ये आए सुपरमैन, और अरे सुपरमैन को तो सुपर बैन करना पड़ेगा। और ये अगला खिलाड़ी चला और पोल को रस्सी समझकर सीधे फिसल कर गटर। और ये किस खेत की मूली है, अबे मूली नहीं है तो लूली है, ये तो अपना रास्ता भूली है। और ये क्या, रिपीट, और एक क्या हो रहा है, सास बहू के सीरियल देख के शॉर्ट कॉपी कर रहे हैं हमारे जापानी। कॉपी राइट लेना चाहिए। ये देखिए, अरे बाप रे, एकदम फायर ब्रिगेड का कोई, बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन से आए और उतने ही कॉन्सेंट्रेशन से गए। इसको तो जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देना चाहिए। आ जाते हैं खेलने, कहां से पता है। डंडा भी नहीं पकड़ पाई भाई, कहां से आई है जुमरी तलैया तलबिया, थोड़ी जोर से पड़ी। अरे रीढ़ की हड्डी तो गई होगी, क्या रही है, लेकिन घर जाके बहुत बैंड बजेंगे। ये आए मुन्ना झूल के, और अरे प्लेटफॉर्म पे क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा उसको। यकीन नहीं हो रहा कि जीत गया, देखो मैं जीत गया मेरे भाई। अबे बगले शेव करके आता है यार, इंटरनेशनल टीवी पे आ रहा है, समझ के चलियो। अबे गया, अबे तो अबे गया, ये रहा गया। और ये जे जे का रामचिक रिप्ले देखे, जरा टूटनी चाहिए थी पीठ, मगर ये देखिए टूट गई दीवार। अरे जापान की छोरिया कौन सी चक्की का आटा खाती है रे,
अरे ओसामा, इस चक्की का एड्रेस तो लाना जरा, हम भी खाएंगे। लेकिन अब हम खेलेंगे अपहिल गार्डन। इस गेम में खिलाड़ी के हाथ में होगी वाटर पिस्टल, जिससे उसे दुश्मन की रिंग को फाड़ना है, लेकिन अपनी रिंग को बचाकर। मुकाबला शाही गार्ड से है। मैं ढूंढूं तू छुप जा, रिंग फाड़ू ना ना, रिंग फोड़ू ना ना, मैं आऊं आ जा। और ये जो फैसला होगा, चाय गार्ड की रिंग फाड़ कर ये खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गया। और अब ये गार्ड ये क्या बन गया है भाई, आलू कुमारी है? आलू कुमारी, और देखते हैं इनको क्या है बीमारी। हाथ में पिस्तौल लग रहा है, लॉलीपॉप पकड़ा हुआ है। देख कहाँ से नहीं, ओहो सामने जाली बनी हुई है। और ये कंटेस्टेंट जो है खिलाड़ी हमारा, क्या रणनीति का प्रयोग करेगा। ये पीछे से आया और ये गार्ड, छोड़ो मुझे बचाओ, छोड़ मुझे नदीदी, छिछोरी चप्पू, और ये रिंग फाड़ दी। और ये खिलाड़ी अगले राउंड में। ये आलू कुमारी का क्या हो रहा है? अरे बड़े बाप रे, आलू कुमारी का तो भुरता बन गया। नेक्स्ट इन द फील्ड, मुच्छड़ सिंह। मुझे इनकी इज्जत और मूछें दोनों खतरे में लग रही हैं। ये आया हमारा खिलाड़ी, ये नाड़ी, अरे ये गुलाटी, इनका नाम पूरा नाम है मुच्छड़ सिंह गुलाटी। अब देखते हैं क्या करते हैं। और ये खिलाड़ी काफी तेज, और ये कहा था मैंने एकदम सुनना सुना के उसने खूब फाड़ फाड़ के एकदम ठंड हो जाएगी उसकी। ये क्या था भाई, है गमले में आए कि बोट क्या है ये मिस्टर गमला, ये करने चले हमला है? क्या करेगा, शुरुआत ही ऐसी है तो फिर। वेरी गुड, ये जापानी टब है ये उनका, या बोट है, टब है, जो भी है। अब तो टब तो ये हुआ था, लेकिन अब क्या होगा। और ये खिलाड़ी उसके पीछे, और ये बोट आगे, और ये कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अरे बाप रे, एक और गार्ड पीछे, दो दो गार्ड एक खिलाड़ी के पीछे, और किसकी फटती है देखते हैं। अरे रिंग यार, और ये तो खिलाड़ी की रिंग का फजीदा हो गया। अब क्या करें, दो दो के सामने एक क्या करें, इसके दांत गए भाई, डेंटिस्ट को बुला। और अब जरा जे जे के रापचिक रिप्ले की और नजर डालें। ये देखिए, वो कहावत है ना, एक सर बड़े सरदारों के और पैर बड़े गवानों के। सर तो है इसका बड़ा, मगर सामने है प्लेयर तगड़ा खड़ा। और ये फिर गया। आगे क्या होगा हाल देखिए इन ब्रिज बार। रामी रामिंग के लिए करना पड़ता है। आज का खेल होगा बिना गोल्डन बॉल, सफर शुरू। और बम्बार्टमेंट भी, पिट पिटाकर चट्टान पार करने की कोशिश, और सीधे नीचे जाल में। शाही गार्ड्स अपनी सफलता पर खुश। अगला खिलाड़ी पहली रुकावट के पार, अब पत्थर में बैठ गया। अबे उन्हें की कर बे, उन्हें लौटक गया है, ऊपर जाने का है, हाथ से ऊपर चल के नहीं, पैर से चल के जाने का, ब्रिज का ऊपर। दादा उड़ी बाबा, नेट का अंदर गिर गया, नेट प्रैक्टिस करने का है तो सौरभ दादा के साथ करना ना। एक तो बॉल देखो किधर किधर लगता है, और ये देखिए स्लो मोशन, अभी लूज मोशन। ये क्या भैया, ये पैरों के बदले हाथ पे चल के आ रहे, कर क्या रहा है भाई, ये कौन है आए? अरे बाप रे, सर पे पड़ी यार धमाके की उसको। और ये लटक लटक क्या जिम्नास्टिक करेगा, स्पाइडरमैन बन रहा है क्या, बन रहा है भाई, ये करने की जरूरत क्या थी। ये तो गया यार, ये तो गया, कब तक लटकेगा। कोशिश अच्छी है लेकिन, और ये कुछ नया पैतरा, अबे तेरे जाना ही था, इसको सवाल नहीं पैदा होता है। और ये आंटी, ये आंटी, अरे बाप रे सर पे, तो ये तो यार एकदम, ये बंदरिया की तरह लटक कर कुछ कोशिश, हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इस खेल में। जा अच्छी रही है लेकिन, ये बड़ी कुंडी पे यार पड़ी, तो यार यहाँ पे इस खेल में अगर आदमी इस तरह चलेंगे तो ये देखिए बहुत अच्छे जा रहे हैं, स्पाइडरमैन से प्रभावित होकर पार कर लिया शायद उन्होंने, क्या फुटेज नहीं खानी ना, टाइम कम होता। आ लियो अहिया तो मुहूर्त ही गलत थी गयो, अब आई तो अहमदाबाद ना झूलता मीनारा माफक झूले छे,
પણ આ ગાર્ડ બોય ફાયરિંગ કેમ નથી કરતા? હા ખબર છે કે આ નૈયા પાર જાને વાલે નથી. આ સગુન માટી એક ફાયર કરી દીધું અને શું લો ફાયર કરી દીધું અને મિલ ગઈ ભાઈ ને મુક્તિ. તોડી નાખ તબલા ને ફોડી નાખ પેટ. ये रिप्ले में देखिए. एक्चुअली औरत नहीं यार, तो नाइट्रूट वाला है बंदा. अरे सॉरी यार, एक्सक्यूज मी. लटके रहो मुन्ना भाई और हम आगे बढ़ते हैं एक फ्यूरियस फ्लैशबैक दिखाने. ये खिलाड़ी कर चुके हैं पोल्स अपार्ट में धमाल, पार्क की स्लिपरी वॉल, स्किपिंग स्टोन्स में घुटने फड़वाए, अफिल गार्डन में मुच्छड़ लुड़काए, मशरूम ड्रिप में चक्कर और नॉक नॉक में टक्कर. अरे भैया, किसी का फूटा सर और कोई गया अपने घर और कोई बड़ा आगे फाइनल शो डाउन की तरफ. ये है आज के विजेता चार बेकार या कलाकार, इसका पता अभी चल जाएगा. जनरल तैयार और पेट खाली करके आए हो? यस सर. तो जाओ. ओ जवान दौड़ पड़े मछलियों के आकार वाले डिस्को टैंक्स. ये हमला शुरू. आज के एपिसोड में ये 14 गेम है जिसमें खिलाड़ियों को रिंग छेदना है. जापान में होली तो होती नहीं, इसलिए ये लोग पानी वाले गेम्स खेलकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं. और ये अजीब सी जंग होती है ये, लेकिन ठीक है, हमारा काम है कमेंट्री देना, हम देते हैं. और ये देखिए बोट कमांडर की, तकेशी कमांडर की ये बोट. अरे बाप रे, और दो खिलाड़ियों के एक साथ रोन डाला. बैन हो जाती. और ये बड़ा कंफ्यूज था ये शाही गार्ड. और ये देखिए अकेला बेचारा लेकिन डटा हुआ है, इसे कहते हिम्मत. चारों तरफ से घिर गया था वो, लेकिन ये आउट. और ये एक और बचा हुआ है किसी तरह बचने की कोशिश, ये भी गया. और ये पायरेट का झंडा क्यों लगा है भाई, जब ये ऑफिशियल गार्ड है. किल पायरेसी बोल रहे हैं हम हमारे यहाँ पे चैनल पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जापान में पायरेसी बड़ी फखर से होती होगी. ये अकेला बचा है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. और इसकी पड़ गई रिंग, और ये भी गया. और ये अरे तो फिर शुरू फायरवर्क्स. हो क्या रहा है गेम में, कभी समझ में नहीं आता है क्या होता है एंड में, कौन जीतता है, कौन हारता है, कितने पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं पता. ओरिजिनल प्रोग्राम लिखा है तकेशी कासिल, लिखा होगा भाई ओरिजिनल, बहुत ही ओरिजिनल है. इतना ओरिजिनल है कि खुद को समझ नहीं आता उन लोगों का क्या हो रहा है, हमको भी नहीं आता. कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, टाइम पास हो रहा है ना आपका. ठीक है, ये मुगुरुज़ा साहब जो है वो बड़े अच्छे हैं. और ये मोल बेन मोल, तोल मोल के बोल टाटा.